फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अरीना। ये स्पेशल क्लासेस सीएच और सीआरपीएफ के लिए कंडक्ट की जा रही है। जनरल नॉलेज के हम इसमें जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज हमारा पार्ट 6 है, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि सीएचओ और सीआरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जनरल अवेयरनेस से है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून? विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। इनमें से जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र? तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा? हमारा यहाँ राइट आंसर होगा बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला सबसे ज़्यादा कौन उत्पाद करता है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा कि कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है कोयले का, तो वो है अमेरिका। राइट आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ये हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि अपने फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट आजकल जो किसान बिल के बारे में चल रहा है तो एक करंट अफेयर्स के तौर पर ये पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड चीज़ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च या फिर 5 अगस्त? तो कब मनाया जाता है? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सीमा कौन सी, जिससे कि मतलब एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विमान कहलाते हैं, ठीक है? सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या फिर एलायंस एयर? तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या होगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? एयर इंडिया। कौन सी है? एयर इंडिया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से एवं रेल परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जो हमारा भारत देश है, उस भारत देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की जो परियोजना है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। तो ये सड़क परिवहन का है, इसमें भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ जोड़ने के लिए जो रोड बनाई जाएगी वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटता है। जो अपन ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात की थी उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जो रोड है वो एक दूसरे को किस जगह काटता है, एक दूसरे को ये राजमार्ग किस जगह काटता है? ग्वालियर, सागर, भोपाल या फिर झांसी? तो ये किस जगह काटता है? ये काटती है झांसी। तो जहाँ पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की हम बात करें तो ये जो पॉइंट है जहाँ ये राजमार्ग एक दूसरे को काटेगा, इस जगह क्या है? झांसी है। क्या है? झांसी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, माइकल जैक्सन संबंधित है, माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? बैले नृत्य से, पियानो वादन से, जज गायन से या फिर पॉप संगीत से? तो किससे हैं? बैले डांस से, पियानो बजाने वाले से, जॉर्ज गायन से या फिर पॉप संगीत से, पॉप म्यूजिक से? तो जो माइकल जैक्सन है वो पॉप
म्यूजिक से रिलेटेड है, पॉप म्यूजिक सिंगर है वो, सिंगर एंड डांसर दोनों है, ठीक है, माइकल जैक्सन सिंगर एंड डांसर दोनों है, एक्चुअली दोनों थे, अभी इनका निधन हो चुका है। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? मिताली राज किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बॉक्सिंग? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है, मिताली राज जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ही इज द सॉरी शी इज इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इंडियन क्रिकेट टीम जो वुमन क्रिकेट टीम है हमारी, वुमन क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर धर्मपाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, उज्जैन का प्राचीन काल अवंतिका था, प्राचीन नाम जो था वो अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे, तो जैन, शैव, बौद्ध या फिर वैष्णव? यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, कौन सा है, ऋग्वेद। किस नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है, ऋग्वेद के अनुसार कौन सी नदी पवित्र मानी गई है, सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है सरस्वती, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी गई है। राजस्थान में 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई, 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई, नीमच छावनी, एरिनपुरा, देवली छावनी या फिर नसीराबाद छावनी? तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है नसीराबाद छावनी से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या फिर सहसमल वोहरा? यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, कैप्टन मैकमोशन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन या फिर मैप्टन शावर्स? तो किसकी हत्या कर दी गई थी 1857 में अहुआ के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन की, कैप्टन मैकमोशन की अहुआ में 1857 की क्रांति के अंदर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं, तो किसान आंदोलन के जनक कौन है, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या फिर सहसमल वोहरा? तो यहां अपना राइट आंसर है, किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ अपना राइट आंसर है 5 राज्यों को, ठीक है, 5 अलग राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा को टच करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या फिर 876 किलोमीटर? तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है कि राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी लंबाई, सीमा कितनी लंबाई है, तो वो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, स्पेशल क्लासेस फॉर CHO एंड CRPF।
लाइव क्लास दिन में 12 बजे स्टार्ट होगी, लाइव क्लास दिन में 12 बजे स्टार्ट होगी, जहां पर हम नर्सिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।